नमस्कार, आप देख रहे हैं जीओवी न्यूज। तो वक्त हो गया है दोपहर की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। बढ़ सकती है चिदंबरम, पिता पुत्र की मुश्किलें, चीन समेत विदेश में कार्ती के 17 बैंक खातों का पता चला। सीबीआई के शिकंजे में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ती चिदंबरम के भी नए नए कांड निकल कर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियों को पता चला है कि चीन के बैंक में कार्ती की कंपनी का खाता है। ओवरसीज चाइना बैंक कॉरपोरेशन सिंगापुर के कार्ती की कंपनी का खाता है। चीन की ही मेट्रो बैंक में भी खाता है। जो कुछ चिदंबरम करते थे उसका फायदा कार्ती से जुड़ी कंपनियों को पहुंचाता है। इन कंपनियों के विदेश में 17 खाते हैं। विदेशी जायदाद किन से खरीदी गई इसकी पूछताछ अभी जारी है। 3 महीने आगे बढ़ी जीएसटी के सालाना रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि। नई तिथि 30 नवंबर तक। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर के 30 नवंबर तक कर दी गई है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी है। जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं की पेश आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण यह फैसला लिया गया है। इससे पहले वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक थी। सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देगा आरबीआई। राहुल गांधी बोले, खजाने की चोरी काम नहीं आएगी। रिजर्व बैंक अपने खजाने से मोदी सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए देने का निर्णय किया है। आरबीआई के इस फैसले से विपक्ष नाराज है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को यह मान लेना चाहिए कि आर्थिक संकट पैदा हो गया है, उसे वह खत्म नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि अब आरबीआई से खजाने की चोरी काम नहीं आएगी। यह किसी डिस्पेंसरी में बैड एड चुरा करके गोली के जख्म पर लगाए जैसी है, जो काम नहीं आएगी। परमाणु धमकी के बीच पाकिस्तानी एयरोस्पेस से वतन लौटे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस के बियारिज में हुई G7 की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर मसले पर ऐसा ट्रंप कार्ड चला कि पाकिस्तान बौखला उठा। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान परमाणु बम की धमकी देने लगे। पाकिस्तान की धमकी को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी उनके ही एयरोस्पेस से वतन वापस लौट गए। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और फ्रांस की यात्रा पर पिछले हफ्ते 22 अगस्त को रवाना हुए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के बियारिज में शहर में G7 शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। येदुरप्पा पर नकेल कसने का बीजेपी का नया फॉर्मूला तैयार। कर्नाटक में बने 3 उपमुख्यमंत्री। कर्नाटक में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मंत्रियों में पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया। यूपी में 2 उपमुख्यमंत्री, आंध्र प्रदेश में 5 उपमुख्यमंत्री के बाद अब कर्नाटक में 3 उपमुख्यमंत्री होंगे। येदुरप्पा के मंत्रिमंडल में 3 उपमुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, जिसमें से 1 लिंगायत, 1 वो कलिंग और 1 दलित है। इन तीनों को चुनने से बीजेपी की एक रणनीति साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी अब केवल लिंगायत वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती है और साथ ही वह येदुरप्पा पर नकेल कसने की तैयारी कर चुकी है। दरअसल पिछले 2 ऐसे मौके देखे गए हैं जहां येदुरप्पा ने हाईकमान का फैसला न मानते हुए अपने फैसले उन पर थोप दिए गए थे। ऐसे में बीजेपी ने अब येदुरप्पा को साफ संदेश दे दिया है। वर्ल्ड कप में भारत की हार को भुला नहीं पा रहा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, सरफराज को लताड़ा। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी तक क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हाथों पाकिस्तानी हार को भुला नहीं पा रहे हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। इमरान खान ने सोमवार को एक रैली में एक बार फिर से इसका जिक्र किया है। 16 जून को हुई वर्ल्ड कप में मैच में पाकिस्तान टीम को भारत ने 89 रनों से हरा दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान ने सरफराज को टॉस जीतने की स्थिति में पहले बल्लेबाजी करने की सलाह दी थी, लेकिन सरफराज ने पीएम की सलाह को अनसुना करते हुए पहले गेंदबाजी चुनी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राहुल गांधी ने मेरे निमंत्रण पर राजनीति की है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राहुल गांधी पर घाटी का दौरा करने के उनके निमंत्रण पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा है कि वह केवल कांग्रेस नेताओं को आधारहीन बयानबाजी देने से रोकना चाहते थे। मलिक ने कहा है कि वह कई सारे विपक्षी नेताओं के साथ यहां आए और कहा कि वह हिरासत में ले लिए गए। सभी नेताओं से मिलना चाहते थे और मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करना चाहते थे। राज्यपाल ने कहा है कि मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि जब मैंने राहुल गांधी को जम्मू कश्मीर आने का न्योता दिया था तो मेरी मंशा यह थी कि वह कश्मीर की स्थिति खुद देख करके उनके बारे में आधारहीन बयानबाजी करने से परहेज करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता ने इसे कभी न खत्म होने वाला राजनीति मुद्दा बताया है। मलिक ने कहा कि जब राहुल गांधी मेरे नियंत्रण पर इस तरह राजनीति की तो मेरा न्योता वापस ले लिया और यह तय करना प्रशासन का विशेषाधिकार है कि राहुल गांधी कश्मीर की यात्रा करेंगे या नहीं करेंगे। पीएम मोदी और अमित शाह को याद रखना चाहिए कि वे भी एक दिन पूर्व होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की सुरक्षा से एसपीजी हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को याद रखना चाहिए कि वे भी एक दिन पूर्व होंगे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मेरा मानना है कि सुरक्षा कवर चुनिंदा ढंग से नहीं हटाया जाना चाहिए। सुरक्षा कवर सिर्फ एक वजह से नहीं हटाया जाना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा है कि 10 वर्षों में शासनकाल के दौरान यूपीए सरकार में सभी पूर्व मंत्रियों को एसपीजी सुरक्षा कवर मिला। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद सिंह ने कभी सुरक्षा कवर नहीं मांगी है और भविष्य में नहीं मांगेंगे, यह फैसला सरकार का था।
5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में निर्यात की हिस्सेदारी एक तिहाई होनी चाहिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को कहा है कि 5 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के सरकार के लक्ष्य के एक तिहाई हिस्सेदारी होनी चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार युद्ध से भारतीय अर्थव्यवस्था के पास निर्यात बढ़ने के अवसर है। 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था एक तिहाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में होनी चाहिए। दो प्रमुख देशों अमेरिका और चीन के बीच युद्ध से भारतीय निर्यातकों के लिए आशा की किरण जगी है, लेकिन ऐसा बहुत छोटी अवधि के लिए होगा।